Hi, good morning, my dear student. Today, we are going to discuss your class 11th history, chapter 9, the Industrial Revolution. My dear, this is my second class, second revision class. In my previous video, it was discussed by me that we had already studied about this chapter. We also discussed about the important points also. In my last video, we discussed about that why, what is the meaning of industrial revolution, by whom the word industrial revolution used first time, and the first industrial revolution and second industrial revolution. It is also discussed by me that why this revolution happened in Britain, ये industrial revolution Britain में क्यों हुआ, इन चीजों को भी हमने पढ़ा. हमने आपसे कहा कि ये ब्रिटेन में इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा देश था जो 17वीं सेंचुरी तक पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो चुका था. उस देश में एक मोनार्की सिस्टम थी. उस देश में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों देश की बाउंड्री एक ही थी. एक करेंसी सिस्टम था, एक मार्केट था जिसे ट्रांसपोर्टेशन, लेविंग टैक्स पे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाना पड़ता था, एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता था, जिससे वस्तुएं सस्ती हो जाती थीं. और मैंने आपसे कहा कि इसका एक कारण ये भी था कि 17वीं सेंचुरी में अब सभी लोग अपना काम के लिए सैलरी उनको मिलने लगी, वो भी कैश. सिक्कों का प्रचलन बहुत अधिक संख्या में हो चुका था, करेंसी का प्रचलन अधिक संख्या में हो चुका था. एक महत्वपूर्ण बात और थी जिसके बारे में मैंने पिछली क्लास में चर्चा किया था, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की. मैंने कहा था कि 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आया. ये एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन टोटली इंडियन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन से अलग था. इंग्लैंड में एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का मतलब था कि जो किसान गाँव में रहते थे, इनके पास छोटे छोटे जमीन के हिस्से थे, उनसे शहर के बड़े पूंजीपति कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट अपने प्रॉपर्टी के आसपास की छोटी छोटी खेतों को खरीद लिया और गांव की सार्वजनिक जमीन को अपने स्टेट का हिस्सा बना लिया. इस प्रकार उन्होंने अपनी एक बड़ी फार्म लैंड या लैंड फार्म स्थापित कर ली, फार्म हाउस बना लिया. अब वो लैंडलॉर्ड हो गए. और दूसरी तरफ जो छोटे छोटे किसान थे, उनके पास जो छोटी जमीन का टुकड़ा थी, साथ ही साथ जो पास्टोरल लैंड था, वो उनके हाथ से निकल गया. अब ना उनको अपने पशुओं को चराने के लिए कोई चरागाह भूमि थी और ना ही उनके अपने खेतों में काम करने के लिए उनकी अपनी कोई जमीन. ऐसी स्थिति में इन किसानों को अपने को पूरी तरीके से शहर में माइग्रेट कराना पड़ा. ये चीजें हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा था. आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, टाउन, ट्रेड एंड फिनांस. टाउन, ट्रेड एंड फिनांस फ्रॉम द 18th सेंचुरी मेनी टाउन्स इन यूरोप वर growing in area and in population. Out of the 19th European cities whose population doubled between 1750 and 1800, 11 were in Britain. The largest of them was London, which served as the hub of the economy, hub of the country. Markets, with the next largest one located close to it. कहता है 18वीं शताब्दी में यूरोप में बहुत से शहर की डेंसिटी ही केवल न बढ़ी बल्कि उसके एरिया में भी काफी विस्तार हुआ. यूरोप के जिन 19 सिटीज की आबादी की पॉपुलेशन
750 से 1800 के बीच, केवल 1750 टू 80 50 सालों में दुगनी हो गई थी, जिनमें से 11 शहर ब्रिटेन में थे। इन 11 शहरों में, इन 11 सिटीज में लंदन सबसे बड़ा था, जो देश के बाजारों का केंद्र था। बाकी बड़े शहर भी लंदन के आसपास ही स्थित थे। लंदन ने संपूर्ण विश्व में भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। 18 सेंचुरी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र इटली तथा फ्रांस के भूमध्य सागरीय जो पोर्ट से हटकर इंग्लैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर आ गया था। इसके बाद तो लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया। साथ ही लंदन, इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच स्थापित ट्रेंगुलर ट्रेड था, उसका केंद्र लंदन बन गया। लंदन, इंग्लैंड, अफ्रीका, लंदन जो था वो इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बन गया। साथ ही लंदन एक ऐसे शहर के रूप में विकसित हुआ जो अटलांटिक महासागर का एक महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी के रूप में विख्यात रहा। अमेरिका और एशिया के व्यापार करने वाली कंपनियों के कार्यालय भी लंदन में थे। इंग्लैंड में विभिन्न बाजारों के बीच सामानों की आवाजाही प्रमुख रूप से नदी मार्ग से और समुद्री तट के सहारे सुरक्षित खाड़ियों में पानी के जहाजों से होती थी। रेलों का विकास हुआ। ट्रांसपोर्टेशन में रेल का प्रसार होने तक व्यापार जल मार्गों द्वारा होता था। जल मार्गों द्वारा स्थल मार्गों की तुलना में व्यापार सस्ता पड़ता था, समय भी कम लगती थी। इसलिए इन समय को बचाने के लिए जल परिवहन एक उपयुक्त था। काफी पहले यहां तक कि स्थल मार्गों की तुलना में, यहां तक कि 1724 से इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए लगभग 1160 माइल लंबी जो जल मार्ग थी, कैनाल्स थी, जिसे नौकाएं आसानी से चल सकती थी, और पहाड़ों इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश स्थानों पर नदी से अधिक 15 मील की दूरी पर पूरा देश के हर पार्ट से जुड़ी हुई थी। चूंकि इंग्लैंड की नदियों के सभी जो नौ संचालन भाग समुद्र से जुड़े हुए थे, इसलिए 20 किलोमीटर के एरिया में कोई नदी से ही वो टच होता था। इसलिए लोगों ने क्या किया, बड़े पैमाने पे नहरों को खुदवाने का काम ब्रिटेन में किया जाने लगा। और अब यहाँ से एक पूरा का पूरा बदलाव हमको दिखाई देता है। माय डियर, व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लंदन हैड आल्सो एक्वायर्ड ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस बाय द 18th सेंचुरी। The center of global trade had shifted from the Mediterranean port of the Italy and France to the Atlantic ports of Holland and Britain. Still later, London replaced Amsterdam as the principal source of loan for international trade. लंदन रिप्लेस एम्स्टर्डम एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लोन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। लंदन आल्सो बिकेम द सेंटर ऑफ ट्रेंगुलर ट्रेड नेटवर्क दैट ड्र्यू इन इंग्लैंड, अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। लंदन अब एम्स्टर्डम को रिप्लेस किया, जो लोन के लिए प्रसिद्ध था। अब सारी व्यवस्थाएं लंदन अपने हाथों में ले लिए, मतलब सारे जो ऐसे ऑफिसेस थे, ऐसे कार्यालय थे, वो लंदन में खुलने लगे। लंदन, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच इस त्रिकोणीय
व्यापार के बीच एक महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में स्थापित हुआ। द कंपनीज ट्रेडिंग इन अमेरिका एंड एशिया ऑल्सो हैड देयर ऑफिस इन लंदन। इन इंग्लैंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन मार्केट वॉज हेल्प्ड बाई गुड नेटवर्क ऑफ रिवर्स एंड इंडेंटेड द कोस्ट लाइन विथ द सेल्टर्ड बेज अंटिल द स्पीड ऑफ रेलवेज स्प्रेड ऑफ रेलवेज अंटिल द स्प्रेड ऑफ रेलवेज ट्रांसपोर्ट बाई वाटरवेज वॉज चीपर एंड फास्टर देन बाई लैंड एज अर्ली एज 1724 इंग्लिश रिवर प्रोवाइडेड सम 1160 माइल्स ऑफ नेविगेबल वाटर एंड एक्सेप्ट फॉर द माउंटेनियस एरिया मोस्ट प्लेस इन द कंट्री वर विद इन 15 माइल्स ऑफ रिवर सिंस ऑल द नेविगेबल सेक्शन ऑफ इंग्लिश रिवर फ्लो इन टू द सी कार्गो ऑन रिवर वेसल्स वॉज इजली ट्रांसफर्ड टू कोस्ट लाइन शिप कॉल्ड कोस्टर्स बाई 1800 एटलीस्ट 1000 सेलर्स वर्कड ऑन द कोस्टर्स द सेंटर ऑफ द कंट्रीज फिनेंशियल सिस्टम वॉज द बैंक ऑफ इंग्लैंड founded in 1694. By 1784, there were more than 100 provincial banks in England, and during the next 10 years, their number is tripled by the 1820s. There were more than 600 banks in the provinces and over 100 banks in London alone. The financial requirements to establish and maintain big industrial enterprises were met by these banks. My dear, तो तीन चीजों के लिए यहाँ पे मैं स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि किस तरह से 1780 और 1850 के बीच बदलाव हुआ। कहता है सीधे सीधे कहता है अगर आप पूरी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें तो आपको इसमें मिलेगा कि किस तरीके से लंदन संपूर्ण विश्व में जल्दी ही अपनी उत्पादन क्षमता अपनी एक स्पेशलिटी इकोनॉमिकल जो स्पेशलिटी थी उसके लिए प्रसिद्ध हो गया। कहता है कि इस 18वीं सदी तक आते आते भूमंडलीय व्यापार का केंद्र इटली तथा फ्रांस के भूमध्य सागरीय पत्तनों से हटकर हॉलैंड और ब्रिटेन के अटलांटिक पत्तनों पर आ गया था। इसके बाद से तो लंदन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया। साथ ही लंदन इंग्लैंड अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी बन गया। अमेरिका और एशिया में व्यापार करने वाली कंपनियां की कार्यालय भी लंदन में थे। इंग्लैंड के विभिन्न बाजारों के बीच वस्तुओं की आवाजाही प्रमुख रूप से नदी मार्ग से और समुद्री तटों की सुरक्षित खाड़ियों में पानी के जहाजों से होती थी। रेलमार्ग का प्रसार होने तक रेलमार्ग के बन जाने तक इंग्लैंड का सारा व्यापार इस जलमार्ग द्वारा ही होता था, पानी के रास्ते ही होता था। पानी के द्वारा ये व्यापार स्थल के द्वारा व्यापार की तुलना में सस्ता होता था और समय भी कम लगता था। काफी पहले यहां तक कि सन 1724 से इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए लगभग 1160 मील 1160 माइल लंबा जलमार्ग था जिसमें नौकाएं चल सकती थी और पहाड़ी इलाकों को छोड़कर देश के अधिकांश स्थान नदी से अधिक 15 मील की दूरी पर थे। चूंकि इंग्लैंड की नदी के सभी नौचालन
नेविगेबल जो पार्ट थे वो समुद्र से जुड़े हुए थे। तो नदियों से 15 मील की दूरी पर वो स्थित थे। यदि नहरें 15 मील खोद के नदियों से मिला दी जाए तो वो आसानी से वो क्षेत्र सीधे समुद्र से कनेक्ट हो सकता था। इसीलिए नदी पोतों के जरिए ढोया जाने वाला माल सामान समुद्र तटीय जहाजों तक, जिन्हें तटपोत, जिन्हें कोस्टर्स कहा जाता था, आसानी से ले जाए और सौंपा जा सकता था। मतलब पानी के रास्ते तटपोतों, जिसको कोस्टर्स कहा जाता था, आसानी से ले जा सकते थे सामानों को और उसको आसानी से नेविगेबल बनाया जा सकता था। सन 1800 तक आते आते 1800 तक आते आते कोस्टर तटपोतों पर काम करने वाले नाविकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो 1694 में स्थापित हुआ और 1784 तक इंग्लैंड में कुल मिलाकर 100 से अधिक प्रांतीय बैंक अस्तित्व में आ चुके थे, अगले 10 वर्षों में इनकी संख्या 3 गुना हो गई। 1820 के डिकेड तक प्रांतों में 600 से अधिक बैंक थे और अकेले लंदन में ही 100 से अधिक बैंक आ चुके थे। कहता है 1820 के डिकेड तक विभिन्न प्रांतों में 600 बैंक अस्तित्व में थे और इन 600 में 100 बैंक तो अकेले लंदन में ही थे। बड़े बड़े औद्योगिक उद्यम, इंडस्ट्रियल वर्क यहां पे स्थापित हुए, फैक्ट्रियां बनी और औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक वित्तीय साधन इन्हीं बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाते थे। 1780 के डिकेड्स में और 1850 के डिकेड्स तक ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ, इसके कुछ कारण ऊपर बताए जा चुके हैं। गांव से आए अनेक गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक मौजूद हो गए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो गई थी और अब ट्रांसपोर्टेशन ने रोल निभाया। बैंक सिस्टम आ चुका था, बैंक सिस्टम ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया। कहता था फॉलोइंग पेज विल डिस्क्राइब टू न्यू फैक्टर्स रेंज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज दैट इंक्रीज्ड प्रोडक्शन लेवल ड्रामेटिकली एंड ए न्यू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्रिएटेड बाई अ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन बोथ डेवलपमेंट इफ द डेट्स आर रेड केयरफुली वन विल नोटिस दैट देर इज अ गैप ऑफ फ्यू डिकेड्स बिटवीन द डेवलपमेंट एंड इट्स वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन। वन मस्ट नॉट एज्यूम दैट ए न्यू इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लेड टू इट बींग यूज इन द इंडस्ट्री इमिडिएटली। माई डियर, कहता है कि 1780 के डिकेड्स में जब बैंक आ गए, तेजी से औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इसके कुछ कारण ऊपर बताए जा चुके हैं। क्या क्या कारण है? कहता है गांव से आए अनेक गरीब लोग नगरों में काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए आवश्यक ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंक आ चुके थे। परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था अच्छी थी। अब हम आगे के 2 पेजेस में जो कारक बताए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। कहता है कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आया, उसकी एक श्रृंखला, उसकी एक सीरीज यहाँ दिखाई देती है, जिससे उत्पादन के स्तरों में अचानक वृद्धि कर दी। एक नया परिवहन तंत्र जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन था, वो रेल ट्रैकों के निर्माण से एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। इन दोनों विकास क्रमों के मामले में यदि बीच के समय को सावधानीपूर्वक देखा जाए तो यही पता चलेगा कि इन विकास क्रम और उनके व्यापक इस्तेमाल के बीच कुछ दशकों का अंतराल रहा। इसलिए कोई यह न समझे कि जो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हुए या जो डेवलपमेंट हुआ, इस क्षेत्र में कोई नया आविष्कार होते ही उद्योगों में तत्काल इसका प्रयोग शुरू हो गया। जो इन्वेंशन हुए
इन्वेंशन की डेट देखिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि इन्वेंशन की डेट और उसको प्रॉपर यूज के समय के बीच थोड़ा अंतर है। 18th सेंचुरी में कुल मिलाकर 26,000 इन्वेंशन हुए, आविष्कार हुए, उनमें से आधे से अधिक आविष्कार 1782 टू 1800 की अवधि में हुए के बीच हुए। इन आविष्कारों के कारण अनेक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों में से केवल चार बड़े परिवर्तन अर्थात लोहा उद्योग का रूपांतरण, कपास की कताई और बुनाई, भाप की शक्ति का विकास और रेल मार्गों की शुरुआत पर ही चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण है, चार चीजें हम इन्हें भी बात करेंगे। कहता ऑफ द 26,000 इन्वेंशंस रिकॉर्डेड इन द 18th सेंचुरी मोर देन हाफ वर लिस्टेड फॉर द पीरियड 1782 टू 1800 दीज लेड टू द मेनी चेंजेस वी शैल डिस्कस द फोर मेजर वंस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आयरन इंडस्ट्री द स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम पावर स्टीम पावर एंड द कमिंग ऑफ द रेलवे दैट आर द फोर मेजर चेंजेस दैट वॉज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटेन एंड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। माय डियर, इन चीजों के बाद हम लोगों ने इस बात को ठीक से समझ लिया कि किस तरीके से ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, किन किन कारकों ने ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन शॉर्ट में अगर हम कहें, सामान्य रूप से कहें, कम शब्दों में कहें, तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के कुछ कारणों में महत्वपूर्ण रोल जिनका था, उसमें सबसे पहले तो वहाँ की ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम जिससे बाउंड्री एक थी, उसके पश्चात इंग्लैंड का ट्रेडिंग सेंटर के रूप में डेवलपमेंट का होना, व्यापारिक केंद्र के रूप में बनना, उसके पश्चात ब्रिटेन के जो व्यापारी थे और ब्रिटेन के व्यापार के लिए जो रॉ मटेरियल्स थे उनकी अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन कैनाल्स और रेलवे मतलब जलमार्ग नेविगेबल ट्रांसपोर्टेशन दैट वॉज अवेलेबल एंड आफ्टर ऑल ट्रांसपोर्टेशन रेलवे दैट वॉज डेवलप्ड इन देयर एरियाज और बैंकों का आना, ऋण आसानी से अवेलेबल हो जाना और फिर एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल था। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक साथ लेके आए तब हमें पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्यों हुआ ब्रिटेन में। और आई होप इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। चार चीज़ों पे हमने लास्ट बात की कि हम सिर्फ यहाँ पे चार महत्वपूर्ण चीज़ों पे यदि ध्यान दें कि द वी शैल डिस्कस द फोर मेजर वंस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द आयरन इंडस्ट्री द स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ कॉटन द डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ पावर एंड द कमिंग ऑफ द रेलवे, तो हम आसानी से इसको समझ जाएंगे। आगे हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे वन बाय वन। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।